समिति है सभी कर्मचारियों की, उस कर्मचारियों की समिति के लिए लोन लिया गया था जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनको, और वो लोन की कटौती विभाग ने की लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं कराया, और जमा नहीं कराया जब ये चीज संज्ञान में आई तो उसकी जांच पड़ताल की गई और उस पर जो है 69,13,000 की एक डिग्री हुई हमारे विभाग से। उसको हमने 2006 में उनको लिख के भी दिया कि ये पैसा हमारा जमा करा दीजिए, लेकिन उन्होंने आज तक इसको जमा नहीं कराया, जबकि कर्मचारियों के वेतन से शायद ही कटौती की जा रही है, उनके क्लेम से भी समाहित की जा रही है। किफायती है ये प्रकरण, अभी पुराना है मेरे जानकारी के अनुसार, समझ लीजिए 17-18 साल पहले का मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग यहाँ चलाते थे, जो कर्मचारी थे, यही उसके पूरे जिम्मेदार हैं, और ये मामला लखनऊ कोर्ट में चल रहा है, और जैसा कोर्ट का निर्णय होगा वैसा क्षेत्र स्तर पर इसके संबंध में। एटा परिवहन निगम के 293 कर्मचारियों ने एक सहकारी समिति बनाकर तकरीबन 20 साल पहले जिला सहकारी बैंक से लाखों रुपए कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन आज तक ये पैसा बैंक को वापस नहीं मिल सका है। कोर्ट के आदेश के बाद भी परिवहन निगम के अधिकारी बैंक को पैसा दिलाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वीरेंद्र पांडे, ईटीवी।